व्लॉग। तो आज बहुत तेज की बारिश हो रही थी और अभी भी थोड़ा मोड़ा हो रही है, तो मस्त मौसम है, इसलिए यहाँ सोने का ज़्यादा मन करता है। क्योंकि मैं नहा वहाँ तो लिया, क्योंकि यहाँ सोने का मन करता है क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत रहता है। वो रूम में भी रहता, पर वो रूम जब पैक रहता तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ से मतलब कि यहाँ खिड़की है, वहाँ भी एक खिड़की है, तो वहाँ से मस्त नज़ारा दिखता है हम लोग को, इसलिए कि बारिश कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। तो हम लोग यहाँ ही सो जाते हैं और देखते रहते हैं। मस्त मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है आज का, तो आपको भी दिखाता हूँ बारिश का मौसम। तो भाई चलते हैं जल्दी से, नहीं तो आज बहुत लेट मैंने बना। तो भाई अरे यार बहुत पानी है, पानी आता ना अंदर लो, अभी थोड़ा ही आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही है गाइस, थोड़ा ही आ रही है, थोड़ा थोड़े लगता है तूफान आएगी, मेरे को लग रहा है ऐसा। देखिए गाइस वेरी गुड, देखो अपने बृहस्पति देव के पानी से भीग रहे हैं। यहाँ पर मनी प्लांट और सब तो मस्त में, और सब मस्त में, सबको पानी मिल रहा है, सब अच्छा है। सब लोग ने ताड़ पत्र लगा दिया, हम लोग ने इसलिए लगाया क्योंकि खिड़की है भाई, खिड़की से क्या लगा लेगा। पर हम लोग ने उस साइड लगाया है, तो आपको दिखाता हूँ गैलरी क्या हम लोग ने लगाया है। बस दो मिनट गाइस, पानी बहुत आता है इसलिए हम लोग इसको बंद करते हैं। तो गाइस मैं पंखा ऑन कर देता हूँ यहाँ का। तो गाइस आप यहाँ एक मिनट का, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम लोग का ताड़ पत्री है यहाँ, क्योंकि जब मतलब कि ऐसा भाव आएगा, अच्छा लाइट बंद करते नहीं तो बहुत होगा, एक कम ही आता है, क्योंकि जब वो मतलब कि इस तरफ आएगा, मतलब कि कभी इस तरफ उस तरफ, कभी बीच में आता है, पर कभी इस तरफ आएगा तो हम लोग के घर में नहीं आएगा, तो ये बहुत अच्छा है और सब ठीक है। तो अभी मैं कैरम खेलने बैठा था, क्योंकि घर पे बैठ के क्या करते हैं, तो पहले नाश्ता कर ले, तो बाद में मैं कैरम खेलूँगा। तो आज नाश्ते में तो बना है कुछ और ही, और ये को ये आलू और मटर की भाजी, भाजी ने फ्राइड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नाश्ता, क्या देख सकते हैं, आलू भाजी फ्राइड है, इसको खाने को बैठ जाते हैं। तो गाइस तो हम बैठ रहे जा रहे हैं, तो खा लेते हैं ऐसा बैठ के इसको, यहाँ रुको गाइस, क्या कर दो, ओके तो हम खाते हैं मटर फ्राइड है, वेरी नाइस। नाश्ते में ये सब खाने का, ज़्यादा कुछ नहीं खाने का, ये सब खाने का पेट बढ़ रहा था मेरा उस समय, बहुत अच्छा इतने में मेरा पेट भर जाएगा, जितना है ना उतने में मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि दोपहर को हम लोग ज़्यादा नहीं खाते ना, दोपहर को हम कम ही खाते हैं, क्योंकि दोपहर को ज़्यादा खा लेंगे बाद में सो जाएंगे, जब बाद में उठेंगे बाद में लेट हो जाएगा, बाद में काम करने लगेंगे, तो इसलिए कल का आपने देखा होगा मच्छी का, मेरे को बहुत टॉयली तो लगा, अच्छा लगा, बट मच्छी में मैंने ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मुझे अंदर का पेट में चिपोड़ चिपोड़ करता है, इसलिए दोपहर को मिलते हैं। तो गाइस हम लोग दोपहर को, तो गाइस सुबह से बारिश चालू है और अब तक बारिश आ रही, तो इतने हवा के साथ कितना तेज आ रहा है हम लोग के घर में इतना बारिश, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अब तक चालू है गाइस,
गाइस, पूरे जगह बारिश है। आज सुबह से सूर्य नहीं निकला है। तुलसी माँ को भी देखिए, सब खुश है। पूरा मतलब सुबह से बारिश नहीं चालू है, पूरा आप देख सकते हैं। सुबह से सूरज देवता तक नहीं उग पाए, इतनी जोर की बारिश है। लगता है यहाँ बहुत तेज की मतलब कि तूफान आएगा ही आएगा। रात हम लोग सोच रहे लाइट ना करता है, क्योंकि बारिश का समय लाइट कट गया तो बहुत पानी आ रहा है, तो वो मैंने बहुत पानी आ रहा है जोर का, तो जरा वो था पूरा मतलब कि कितना तेज का भाव से आ रहा है, मतलब कि हवा के साथ, तो इतना तेज है। तो हम लोग पूरा अभी हम लोग ये रूम में है। तो गाइस, आपने तो बारिश का पूरा देख लिया, पर अब भी तो मजा करते। तो अभी ये आम रस है, ये आम रस है और वाटरमेलन खाएंगे। आपको दिखाता हूँ गाइस, ये वाटरमेलन है। आप सोच रहे होंगे इसको आम कहाँ से मिल गया बारिश के मौसम में, तो मैं आपको बताता हूँ। जो आम थे वो मैंने समर में इकट्ठा करके रखे थे, मैंने खुद सोचिए गाइस, मैंने किसी और ने मैंने बोला था इकट्ठा कर लो, पर मैंने खुद इकट्ठा किए थे, तो इसलिए मैंने बोला मैंने इकट्ठा करके रखा है। चलो इसका ही आम रस बनाते, तो आम रस पीने जाते हैं। अभी तो थोड़ा ठंडा है इसलिए अब भी नहीं पियेंगे, थोड़ी देर बाद पियेंगे। इसको गर्म होने दो, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, इसलिए ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। इसलिए तुम लोग जाते, कोरोना है इसलिए हम लोग नहीं खा सकते ठंडा। और ऊपर से ये बारिश का भी मौसम ठंडा है, तो हम लोग को हिसाब से करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत तेज का बारिश चल रही है, मैं बोलूँ तो मेरे को डर लग रहा है कि मतलब कि भूकंप तूफान बहुत तेज का ना आ जाए। अभी तो आया ही नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा है, पर उससे भी तेज का ना आ जाए, तो डर लग रहा है रात तक। तो गाइस रात हो चुकी है और दिन भर से बारिश हुई, तूफान आदि सब आया, पर गोवा में जो नुकसान हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है। मुंबई में भी बहुत हुआ है, पर गोवा में ज़्यादा हुआ है। मुंबई का तो हाल ही है, पर अभी रात का समय तो थोड़ा ठीक है, मौसम ठीक हुआ है। तो मैं आपसे खाना खाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ Please like this channel and subscribe to this channel. Bye.